बजाज फाइनेंस पर 10 शेयर्स 6620 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है। काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री किया और उसका क्लियरली इनको फायदा भी काफी मिला। हमने देखा हाल फिलहाल में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही स्टॉक में काफी शानदार तेजी देखने को मिली शेयर विभाजन की खबरों के बाद, और उसके बाद नतीजे भी काफी अच्छे थे। उसके बाद पिछले एक हफ्ते का ही ट्रेंड देखे तो करीब 16-17% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। इस वक्त भी करीब 7240 के आसपास कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। नीलेश, आपसे सवाल होगा बजाज फाइनेंस भी क्या करना चाहिए, मुनाफा तो हो रहा है इनको और गेन्स इनको भी मिल रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए, मुनाफा लेकर निकल जाए या और तेजी के लिए रुक सकते हैं? देखिए, खरीदारी काफी नीचे स्तरों की है, इसीलिए मैं कहूंगा यहाँ पे एक बार के लिए रुक के चल सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें जिससे जो मुनाफा हो रहा है वो यहाँ से इरोड ना हो। 7000 रुपीज के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ऊपरी स्तरों पर अभी भी यहाँ से जगह नजर आती है, लगभग लगभग 7500 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर 7500 के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर से यहाँ पे नए लाइफ टाइम हाई के लेवल्स हमें बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपरी स्तर पर अगर प्रॉफिट बुक करना है तो 7500 के आसपास एक बार के लिए मुनाफा बांध सकते हैं और करंट लेवल पे बने रहने की सलाह हो। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस को लेकर नीलेश का ये व्यू, लेकिन आगे बढ़ेंगे। टीवी 18 पड़े मेरे पास 4075 रुपीज के, 75 रुपए के भाव पर आपने टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिए हैं और काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब तो जो भाव है ऑलमोस्ट इनके खरीद भाव से आधा हो गया है। अविनाश जी, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट हमने देखा था कि बहुत तेज रफ्तार से ये शेयर चला था, लेकिन उतनी ही उससे ज्यादा शार्पली ये गिरा ये, और अब ये 38 रुपए के आसपास का है, ऑलमोस्ट अब एक साल के निचले स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है शेयर ये बताइए कि बहुत नुकसान हो रहा है, क्या इसमें निवेशित रहें, इनके भाव आएंगे, क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है अभिषेक, देखिए इस कंपनी में फाइनेंशियल्स तो काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट पिछले दो क्वार्टर से हमने देखा है कि भाव काफ़ी सिग्निफिकेंटली 75 के आसपास से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, और पिछला क्वार्टर तो अच्छा था, इस बार तो मार्जिन्स में भारी कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है और ज़्यादातर ये एम्प्लॉई कॉस्ट और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण हो चुका है। काफ़ी सरप्राइजिंग लगता है कि नंबर्स ख़राब है, क्योंकि ओवरऑल उनके सारे जो बिजनेसेस है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस अच्छा कर रहा है, प्लस जो उनके स्टार्टअप वेंचर्स है वो भी अच्छे कर रहे हैं, और प्लस इनका यू नो ग्रुप सपोर्ट भी काफ़ी स्ट्रांग है, मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनी है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, इन्होंने अनफॉर्चुनेटली ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है, इनके लिए अगर नज़रिया 1.5-2 साल का है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो डाउनसाइड है ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक 35-40 रुपये के नीचे जाएगा, और अगर इनको अच्छा खासा पैसा बनाना है तो पैनिक में या यू नो फ्रस्ट्रेशन में इनको बेचना नहीं चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करें और हो सके तो थोड़ा सा एवरेज करें, क्योंकि उनकी भाव यू नो बाइंग प्राइस काफ़ी ऊपरी लेवल की है। अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो इसमें काफी ट्रिगर्स है जो आगे चलेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करें, बेचने की कोशिश ना करें। तो बेचने की कोशिश ना करें और घबराने वाली बात भी नहीं है, थोड़ा समय आप दीजिए, और चाहे तो इन स्तरों पर आप एवरेज भी कर सकते हैं अपने नुकसान के थोड़ा कम करने के लिए, और होल्ड करके रखिए, आपके लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा समय आपको यहाँ पर देना होगा। चलिए, अब व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ और भी सवाल हमें मिल रहे हैं। बेंगलुरु से रानी का सवाल हमें आया है, और बाटा इंडिया पर इनका सवाल है। 300 शेयर्स इन्होंने 2000 के ऊपर के लेवल्स पर लिए हुए, 2071 के आसपास इन्होंने स्टॉक लिया हुआ है। इस वक्त देखेंगे तो 1986 के आसपास कारोबार कर रहा है बाटा का स्टॉक। नीलेश, आपकी क्या राय होगी बाटा पर, इनको भी यहाँ पर काफ़ी नुकसान झेला पड़ रहा है, क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए पूजा, चार्ट स्ट्रक्चर तो बेटर प्लेस नजर आ रहा है, एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हमें भी देखने को मिला था कुछ समय पहले, और मोमेंटम काफी अच्छा है जो कंटिन्यू हो सकता है, यहाँ से एटलीस्ट 2100 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो करंट लेवल पे डेफिनेटली होल्ड करके चले, और निचले स्तरों पर अगर सपोर्ट की बात करें तो 1930 के आसपास का नेक्स्ट मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है, उसके आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी स्तरों पर 2050 इमीडिएट बेसिस पे, उसके बाद 2100-2150 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाटा को लेकर ये व्यू, 2100 रुपए के ऊपर भी ये शेयर जा सकता है।